हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे जैसे कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आज इस वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि आप देख चुके होंगे, पीसीओएस या पीसीओडी में कंसीव कैसे करें, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। अगर आपको ये बीमारी है तो आप इसके बारे में सब कुछ जानते होंगे। 99% लोग जिनको ये बीमारी होती है उन्हें कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ एक या दो बातें, आप मेरी अगर एक बात भी मान लेंगे तो आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मेरी भी, जैसा कि आपने देखा, इतनी प्यारी सी बेटी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। 10 साल से मुझे पीसीओएस है, पीसीओडी है। मेरा वेट ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहा। 2010 में मेरा वेट 55 था, फिर 60, 65, 70, 75, अब 80, 85 हो गया। प्रेगनेंसी के बात और बढ़ा, लेकिन मुझे कोई कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीच में जब मेरा वेट 80, 75 था, मैंने कुछ ऐसा काम किया कि मुझे सब कुछ ठीक हो गया। तो ये जानने के लिए कि ऐसा मैंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए पीसीओडी से लड़ने के लिए, एक स्पेसिफिक एक क्या चीज करनी चाहिए, वो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ये उन लोगों के लिए ही वीडियो है जिनको पीसीओडी है, वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी वाइफ, रिलेटिव, फ्रेंड्स, किसी को पीसीओडी है, तो आप सलाह दे सकते हैं। गाइस, पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज है, जो आजकल बढ़ती जा रही है। हर 10 में से 4 लोगों को ये बीमारी हो रही है। तो इस बीमारी के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि प्लीज नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब आप कर देंगे, मुझे पता है। देखिए, मुझे पीसीओडी है, ये मुझे 2010-11 में पता चला था। कैसे पता चलता है? पहला इसका सिम्टम यही होता है कि आपके जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स आपके इररेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, शादी से पहले मेरे पीरियड्स इररेगुलर थे, मैंने टेस्ट कराया तो पता चला मुझे पीसीओडी है। उसके लिए मेरा वेट धीरे धीरे बढ़ता रहा, तो डॉक्टर को लगता था शायद थायराइड हो, थायराइड की टेस्ट कराए, थायराइड नहीं था, पीसीओडी था, पीरियड्स इररेगुलर होते थे। टैबलेट्स ली मैंने 6 मंथ, समटाइम 7 मंथ, इस तरीके से टैबलेट ली तो ठीक हो जाते थे, रेगुलर थी। कभी मैं कुछ ऐसा करती थी बीच बीच में कि वो रेगुलर हो जाते थे 1-2 महीने, वो मैं क्या करती थी वही मैं आपको बताने वाली हूँ। पर उस चीज पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वेट बढ़ता गया, वेट लॉस करने की कोशिश करती थी मैं, पर उतनी नहीं हो पाती थी। कॉलेज लाइफ में बिजी है, अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पढ़ लेंगे, करियर है, ये सब नहीं। आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस है, फिर भी जो हाउसवाइफ्स हैं अपना अपने बारे में सोच ही नहीं पाती है ना, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए करती रहती है। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद स्टार्टिंग में हमें बच्चा नहीं चाहिए था, तो हम प्रिकॉशंस लेते थे, प्रोटेक्शन लेते थे। उसके बाद 2015 में मेरी शादी हुई है, 16 एंड में मेरे पीरियड्स नहीं आए, 2 मंथ तक नहीं आए। हमने डॉक्टर को दिखाया, हमने सोचा प्रेगनेंसी होगी, हमने दिखाया बट ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने कहा आपका पीसीओडी है, ओवरी में सिस्ट बहुत बढ़ चुका है। मैंने कहा ओके। उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी, उन्होंने कहा था ये टैबलेट्स अगर आप खाओगे तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे, आपको 2-3 महीने ये टैबलेट्स खाने, जब तक आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो सकते। मैंने 1 महीने वो टैबलेट खाई और मैंने कंसीव कर लिया। डॉक्टर ने कहा था ऐसा नहीं होगा, पर पता नहीं कैसे मैंने कंसीव कर लिया। तो उस टाइम मुझे अबॉर्ट करना पड़ा, क्योंकि दवाइयां वो ऐसी थी जिससे डिफेक्टिव प्रेगनेंसी हो सकती थी, तो उस टाइम मुझे अबॉर्ट करना पड़ा। पीसीओडी डॉक्टर खुद हैरान थे, उनका ये कहना था कि पीसीओडी में तो बच्चे बहुत मुश्किल से होते हैं और हमें तुम्हारा अबॉर्ट करना पड़ रहा है, मेडिकल अबॉर्शन, ये नहीं होना चाहिए था, बट हो गया। उसके बाद मैं उन डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने वो गोली टोटली स्टॉप कर दी। फिर मुझे याद आया कि शादी से पहले भी जब मेरे पीरियड्स नहीं आते थे और मैं एक्सरसाइज करती थी, वॉकिंग करती थी, तो कुछ दिनों में आ जाते थे। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा आपको वेट लॉस करना चाहिए, वेट हमारा मिड एरिया का जो वेट है, वेस्ट लाइन का, वो बढ़ता जाता है पीसीओडी में। जितना ज्यादा वेट वहां होगा उतनी ज्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप डेली एटलीस्ट वॉकिंग करो, टाइम नहीं मिलता जॉब और घर से कोई बात नहीं, मॉर्निंग में हाफ एन आवर और रात में हम ज्यादा घूम सकते हैं, खाने के बाद जो हम टहलते हैं, हम तेज पेस में जल्दी जल्दी चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया मॉर्निंग में आधा घंटा तेजी से, दौड़ना नहीं, तेजी तेजी जल्दी जल्दी चलना है, आधा घंटा जल्दी चलने की प्रैक्टिस की मैंने। और शाम को हम खाने के बाद धीरे धीरे टहलते थे, उसी 1-1.5 घंटे में मैं बीच बीच में 15-20 मिनट जल्दी जल्दी चल लेती थी। तो ये मैंने जब करना शुरू किया और कोई एक्सरसाइज नहीं की, एक भी एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ वॉकिंग मॉर्निंग में और इवनिंग में, नाइट में इनफैक्ट,
उससे मेरे पीरियड्स फर्स्ट मंथ आए, नेक्स्ट मंथ सेम डेट पे आए, कंटिन्यूसली 10 to 15 जो 10 से 15 तारीख के बीच में मेरे पीरियड्स आने लगे। ये बात है 2017 अप्रैल की, तब से मैंने वॉकिंग स्टार्ट की थी, उसके बाद मेरे पीरियड्स कभी भी मिस नहीं हुए, हमेशा रेगुलर रहे। हम कंसीव करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उस टाइम हमें बेबी नहीं चाहिए था तो हमने उसके लिए ट्राई नहीं किया। मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए। देखिए, पीसीओडी में कंसीव करने के लिए आपके पीरियड्स रेगुलर होना जरूरी है। होता क्या है, ओवुलेशन किसी भी टाइम हो जाता है पीसीओडी में, अगर पीरियड्स इररेगुलर हैं तो आप कैसे कंसीव कर पाएंगे? ओवुलेशन की कोई डेट ही नहीं होती है ढंग से, बहुत मुश्किल हो जाता है इस वजह से। इसीलिए सबसे पहला काम यही कीजिए, अगर आप अभी ट्राई नहीं कर रहे हैं, आपकी अभी शादी हुई है, आपको पीसीओडी है, आपको ऐसे लगता है 1-2 साल बाद हमें बेबी चाहिए, आप अभी से वॉक करना शुरू कीजिए। अगर आप अनमैरिड है तो भी मैं कहूंगी, अभी तो आपके पास टाइम है, घर पे मम्मी खाना बना के देती, उतनी जिम्मेदारियां नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। मिड एरिया का वेट लॉस करना बहुत जरूरी है, उस पर काम कीजिए। अगर हाउसवाइफ्स हैं आप, प्रॉब्लम हो रही है, वेट बहुत बढ़ रहा है और पीरियड्स इररेगुलर, सबसे पहला काम अपने पीरियड्स को रेगुलर करने का कीजिए। उसको रेगुलर करने के लिए मॉर्निंग में और इवनिंग में तेजी से जल्दी जल्दी चल के वॉक कीजिए, ठीक है? ये आप काम करेंगे तो आपका 6 महीने में पीरियड रेगुलर हो जाएंगे और ये कंटिन्यू रखें। अगर मॉर्निंग की स्किप होती कोई बात नहीं, रात में जरूर चलें, आपके पीरियड्स आएंगे, कंफर्म आएंगे। और अगर आपके 1 साल 1.5 साल में पीरियड कंटिन्यूअसली रेगुलर हो गए तो आपको कंसीव करने की मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे साथ यही हुआ था, मेरे पीरियड्स रेगुलर थे, जैसे ही हमने 2018 में हमने ये घर बुक कर दिया था नवंबर में, फिर हमने सोचा अब घर भी ले लिया है, बुक कर लिया है तो हम बेबी कर सकते हैं। हमने नवंबर में डिसाइड किया और जनवरी 26 को मैंने जब चेक किया तो मेरी प्यारी सी गीत मेरे पास थी। तो कोई 2 महीने में मैंने कंसीव कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई पीसीओडी में। तो वॉकिंग पहली चीज है जो आपको रेगुलरली करनी चाहिए। मैं आपको दूसरी चीज बता रही हूं, अगर आपने पीसीओडी के वजह से, आप पीसीओडी के लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं वेट लॉस, कि आपको पीसीओडी इसलिए आप वेट लॉस कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पहली जो मॉर्निंग ड्रिंक है, मॉर्निंग ड्रिंक बहुत सी बताई जाती है वेट लॉस के लिए, लेमन वाटर ले लीजिए, जीरा वाटर, सब कुछ सही है, लेकिन अगर पीसीओडी को लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने बॉडी को क्लीन कीजिए। क्लीन करने के लिए मैंने आपको एक चीज तो बताई थी, ओजीवा का डिटॉक्स वाटर, अगर वो ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते कोई बात नहीं, मैं आपको सस्ती सी चीज बताती हूँ, पतंजलि का वीट ग्रास पाउडर आता है, वीट ग्रास, गेहूं ज्वारा सुना होगा आपने, घर पे भी उगाते हैं कुछ लोग, है ना, वो वीट ग्रास, अभी तो मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं फीडिंग करा रही हूँ, फीड करने वाली मॉम्स को वो नहीं लेना होता है इसलिए मेरे पास नहीं, पर वो मैंने लिया है 2017 में, इतनी बड़ी बॉटल कुछ आती है 300 समथिंग की, मुझे एग्जैक्ट रेट अभी याद नहीं है, आप उसे लीजिए, वार्म वाटर में 1 चम्मच लेना होता है, 1 महीने तक डेली पीजिए, आप अगर जिम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं डेली उसे 1 महीने तक पीजिए, आपकी बॉडी क्लीन हो जाए। 1 महीने के बाद लेने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करने उससे लेने से भी पीसीओडी में बहुत फायदा होता है, आपकी बॉडी क्लीन होती है लिटरली। पीसीओडी में कितनी प्रॉब्लम होती है अगर आपको है, आपको पता होगा, वेट गेन तो होता ही है, ब्लैक पैचेस हो जाते हैं यहाँ चेहरे के इस एरिया में, ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, गर्दन पर ब्लैकनेस आ जाती है और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है हमें, मूड स्विंग्स वगैरह तो ठीक है कॉमन है, तो आप ये जरूर कीजिए। मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर मेरी फ्रेंड सर्कल में जो भी रिलेटिव्स हैं, मैंने उनको बताया है, 4 लोगों का मुझे कंफर्म पता है जिनको मैंने वॉकिंग का सजेशन दिया था, उनको उससे फायदा हुआ है, उनके पीरियड्स रेगुलर है। पीरियड्स रेगुलर मतलब आप कंसीव कर सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 4-5 लोगों को मैंने बताया है, कुछ स्टूडेंट्स को भी बताया था, पर आजकल के बच्चे पेरेंट्स को बेवकूफ बना देते हैं, कह देते हैं हम छत पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे होते हैं, अरे मत करो एक्सरसाइज, कुछ तो कर लो, साइकिल चला लो, करना पड़ेगा। मैं भी बहुत लेट हो गई हूं, पर मेरा जो वेट है मेन फीडिंग प्रेगनेंसी के बाद बड़ा है, और ये भी है पीसीओडी में अगर आपका वेट 70-80 है और आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको उस प्रेगनेंसी पीरियड में वेट नहीं बढ़ाना होता, तो ये मेरे डॉक्टर ने मुझे क्लियर किया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मैंने अपना वेट नहीं बढ़ने दिया, बेबी का वेट बढ़ा है, 3 केजी की गर्ल हुई है, बिल्कुल सही है,
लेकिन मैंने कैसे अपना प्रेगनेंसी में डाइट चार्ट रखा, कैसे नॉर्मल डिलीवरी करी पीसीओडी होते हुए भी, इसके लिए ये अलग टॉपिक है। इस पर मैं वीडियो जरूर बनाना चाहूंगी अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो। अभी आप ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट वॉकिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग, तेज तेज चलिए सुबह शाम एटलीस्ट आधा घंटा। दूसरा, व्हीट ग्रास पाउडर एटलीस्ट 1 महीने लेके रख देखिए। तीसरा, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा जिसको थायराइड होता है, थायराइड पेशेंट को कहते हैं कि यहां दबाइए, हाथ के इस पॉइंट पे आप दबाएंगे तो आपको दर्द होगा, उसी तरह से पीसीओडी के भी पेशेंट को एक पॉइंट पे दर्द होता है। वो पॉइंट यहाँ पे नहीं है, वो पॉइंट आपके पैरों में है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है। आपका जो पैर है और पैरों में जो घुटना है ना, नीज जो है आपके घुटनों के ऊपर, यहाँ पे अगर आप दबा के देखते हैं, इस पॉइंट पे अगर आपको दर्द होता है घुटने के ऊपर, इस पॉइंट पे, इस पूरे एरिया में आप दबा के देखिए, अगर आपको दर्द होता है दोनों पैर के घुटनों के पास करके देखिए, तो आपको पीसीओडी है। जितना ज्यादा दर्द होगा यानी कि आपका पीसीओडी उतना ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, आपको उतना ही ज्यादा सिस्ट है। इस पॉइंट के बारे में मुझे मेरे एक सर थे, मेरे साथ काम करते थे, वो योगा टीचर थे, उन्होंने बताया था मुझे इसके बारे में, और ये एग्जैक्टली सही है। उस पॉइंट पे तब मुझे बहुत दर्द होता था, अब उतना बीच में तो बंद ही हो गया था, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत हाई इंटेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, तेज तेज चलिए सुबह शाम आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। लोग एक्सरसाइज पे जोर देते हैं पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस पॉइंट को दबा के देखिए, दर्द है तो करना क्या आपको, पहला आपने एक्सरसाइज किया, दूसरा आपने व्हीट ग्रास लिया, इफ पॉसिबल तो खरीदिए और पीजिए। तीसरा, आप सबने कपाल भारती का नाम सुना होगा, बाबा रामदेव जी बताते हैं बहुत अच्छा आसन है। अगर आप 2 मिनट निकाल सकते हैं, कपाल भारती की पोजीशन में बैठिए हालती पालती मारकर, और कपाल भारती करते हुए वो जो घुटनों के ऊपर का पॉइंट मैंने बताया आपके दोनों पैर पे, उसको दबाइए। ऐसे कपाल भारती करते हुए आप उस पॉइंट को दबाइए 1 से 2 मिनट, शुरू में आधा मिनट कीजिए फिर 1 मिनट कीजिए, करते रहिए और उस पॉइंट को दबाते रहिए जिस तरीके से कपाल भारती करते हैं, आई होप आप सबको पता है। और उस पॉइंट को दबाइए रेगुलरली सुबह शाम, ऐसा करिए आपको फायदा होगा। ये 3 चीजें कर सकते हैं तो वेल गुड, एक भी करेंगे तो आपको फायदा जरूर दिखेगा। तो प्लीज अपने रिलेटिव्स को, अपने वाइफ को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बेटियों को, जिनको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ता ही जा रहा है, ये करते रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करना पड़ेगा। आप शेयर करेंगे तब तो नॉलेज शेयर होगी ना, इसीलिए ऐसा जरूर कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।